हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आपको पता ही है कि मैं जितनी भी वैकेंसी आपके लिए लाता हूँ, मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ, पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, कभी भी मैं कोई भी वैकेंसी सिर्फ व्यूज़ इंक्रीज करने के लिए कभी नहीं लाता हूँ कि आपका खाली क्लिक बेट वाला काम हो कि आपको व्यूज़ इंक्रीज हो जाए या फिर इस चैनल पर व्यूज़ बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग में से निकाल देना। दूसरी बात यह है यार, मैंने कितनी बार आपको बोला है, भाई मेरे को कमेंट में कभी भी कोई सर मत बोलो, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। भाई बोलो, मैं 110% आपको रिप्लाई करूंगा। ये जो वैकेंसी है, यह है सैकॉन पावर में। सैकॉन बहुत बड़ा ग्रुप है, अलग अलग जगह पे वर्क करता है दोस्तों। इसके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्लस CSIT और ECE और ऑल ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है। जी हाँ, इसमें ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं कोई भी वैकेंसी अगर आपको लाता हूँ और आपके सामने उसके बारे में बोलता हूँ तो उस पर 110% आपके सामने पूरा का पूरा उस पर रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही मैं लेकर आता हूँ। कभी भी मेरा ये टारगेट नहीं रहता कि कभी भी कोई भी वैकेंसी दिखी और के सामने ले आया, उसे पूरी फाइंड करता हूं कि हाँ ये सच है या झूठ है, कैसे कैसे इसमें अप्लाई होना है, कैसे कैसे नहीं, तभी मैं आपको सामने लाता हूं। ऐसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी, CSIT, ये सब के लिए। और दूसरी बात ये है दोस्तों, 2022 पास आउट वाले बार बार मेरे से पूछते हैं जो होने वाले हैं कि हम इसमें एलिजिबल हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा काम है वैकेंसी लाना और आपका काम है फॉर्म सबमिट करना। मेरा 99% क्राइटेरिया ये रहता है कि हर एक वैकेंसी में हर एक ब्रांच एलिजिबल हो, प्लस हर एक ईयर पास आउट वाले हों, उसमें एक्सपीरियंस भी हो प्लस फ्रेशर भी हो, हर एक ईयर एलिजिबल हो। ये जो है उसी टाइप से मैं वैकेंसी लाता हूँ और इसीलिए सैकॉन पावर और सैकॉन ग्रुप ये एक ही है। सैकॉन ग्रुप के अंदर सैकॉन पावर आता है, सैकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, अलग अलग। 2022, 21, 20, 18, 19, 17, 16, 15, 2015 वाले भी पास आउट एलिजिबल हैं, इसीलिए फॉर्म सबमिट करने में ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिलायबल बाय अनअकैडमी के बारे में बता देता चाहता हूँ। ये क्या है कि आपको 15 डेज में आपकी ड्रीम जॉब देने की गारंटी देता है। रिलायबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जॉब बिल्कुल 15 डेज में आपको, आपकी ऑलरेडी जॉब लग जाएगी। ये बहुत बंदों की यहाँ से जॉब लगी है और ये ऑलरेडी 10 करोड़ प्लस की जॉब दे चुके हैं। 200 प्लस लीडिंग कंपनी है इनके अंडर में। ऐसी कौन कौन सी है? क्रेड, मोसीजो, 1MG जो है टाटा की है, मैस्ट्रो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड, अलग अलग। दोस्तों आपको इसमें करना क्या होगा, आपको इसमें जॉब लगेगी कैसे, पूरी की पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक टेस्ट के लिए एनरोल होना होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपको कोई भी, और उसके बाद टेस्ट देना होता है और टेस्ट जो होता है वो 1000 मार्क्स का होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें से आपको लाने कितने होते हैं, 700 मार्क्स लाने होते हैं अपीयर करने के लिए। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, जितनी चाहे कंपनी में। और जो मिनिमम पैकेज होता है वो नॉन टेक के लिए होता है 4 लाख रुपये और टेक वालों के लिए होता है 6 लाख रुपीज़। अब नॉन टेक और टेक कौन से होते हैं, जिन्होंने जो फिर एनी ग्रेजुएट है, मतलब BA BBA, बस 18 ईयर्स से प्लस होनी चाहिए, आप 12th पास भी है डजेंट मैटर। और टेक वाले कौन से, जिन्होंने BTech या फिर डिप्लोमा। और अभी मेरे से बहुत बंदे पूछते हैं कि टेक वालों में ये रिलेवल में डिप्लोमा एलिजिबल है क्या। जी हाँ, एलिजिबल है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत अलग अलग है, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक, डाटा साइंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और दो कोर्स और ऐड हुए हैं, दो और रोल में ये ऐड हुआ है। एक है HR एग्जीक्यूटिव और उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लीजिए। आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको जैसे ही इसका लिंक मिलेगा उसके बाद आपको गेट हायर पे और एक बुक अप फ्री स्लॉट, तो आपको अपने टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर लेना है। जल्दी से जल्दी बुक कीजिए। और अगर आप इसमें टेस्ट में क्लियर नहीं भी हो पाते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप 3 दिन बाद रीअपियर भी हो सकते हैं, बट मेरे को उम्मीद है कि आप एक ही बारी में इसमें अपियर हो जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल ये अच्छी वैकेंसी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू कर दो। सैकॉन के बारे में मैं आपको पहले अच्छी तरह पूरा बता देता हूं। सैकॉन जो है दोस्तों, ये ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड वाइड वर्क करता है। कहां कहां वर्क करता है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज में वर्क करता है दोस्तों। ये बहुत पुराना कंपनी है, इंडिया में भी पुरानी है और इंडिया का ग्रुप है दोस्तों। इसका हेड ऑफिस भी जो है आप देखेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस भी बहुत सारी, इसके अंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज आती है। सैकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज में
पे। दोस्तों एक आया सेकॉन पावर, सेकॉन पावर जो है दोस्तों ट्रांजिट में या फिर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। दोस्तों इसमें करना कैसे होगा, आपको ऊपर कैरियर से दिखेगा तो आप इसको कैरियर में करंट ओपनिंग्स देखना है। जैसे आप इसके कैरियर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको कैरियर सेक्शन में सबसे आपको ऊपर ही दिख जाएगा करंट ओपनिंग्स 2022 में जो करंट ओपनिंग्स है वो दिख जाएंगे। इसमें एलिजिबल कौन कौन है? जी हाँ, इसमें सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। आपको नहीं पता होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एनी फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। हर एक ब्रांचेस एलिजिबल है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। आप फ्रेशर भी हैं या आप एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहले मैं आपको पूरा ऊपर से नीचे तक लेके एक एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सबमिट जरूर करें। दोस्तों आपको क्या करना है, सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, पोजीशन क्या है। दोस्तों 10+ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इसका लैब दूसरा है लैब इंजीनियर। लैब इंजीनियर के लिए दो ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और मैं एक्सपीरियंस वालों के लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और फ्रेशर वालों के लिए पूरा बायोफिकेट करके बताऊंगा। दोस्तों तीसरी वैकेंसी जो है जूनियर कैड ऑपरेटर की, इसमें 5 नंबर्स वैकेंसी है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे ही दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की 1 नंबर है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, बीए सिविल चाहिए आपको क्वालिफिकेशन में। दोस्तों अब आई फ्रेशर की बात, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड R&D। दोस्तों आपके पास अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने पे CS और IT कर रखा है, मतलब कंप्यूटर साइंस या IT से आप हैं, तो कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए भी मैं वैकेंसी आज लेके आया हूँ। इसमें क्या है 20 नंबर्स, पोजीशन 1। इसमें कौन एलिजिबल है, फ्रेशर्स बी ई वाले। दूसरी है 7 नंबर्स R&D BE। दोस्तों इसमें है 3 नंबर सीनियर डेवलपर। इसमें है सेकॉन टेक पार्क बेंगलोर में। दोस्तों इसमें कौन है, CS IT वाले। और इसमें आप देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो वैकेंसी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आप इसमें देख लिए CS IT वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं। इसमें आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों अब आया दूसरी वैकेंसी जो फ्रेशर वालों के लिए है, सिविल इंजीनियर या फिर अलग। अब आप देखेंगे सिविल इंजीनियर DC ITI प्रोफेशनल या फिर डिप्लोमा। दोस्तों BE फ्रेशर या फिर जैसे आपने देखा BE फ्रेशर हो गया या फिर डिप्लोमा हो गया या फिर सिविल हो गया या फिर ITI हो गया, 2 ईयर्स+ एक्सपीरियंस चाहिए इसमें फ्रेशर के। अगर फ्रेशर है तब भी ठीक है, अदरवाइज 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर आपने BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, आप इसमें डायरेक्टली एलिजिबल है। पोजीशन 1 में आप देखेंगे फर्स्ट में फ्रेशर एलिजिबल है और देखिए DCE डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस ITI प्रोफेशनल, अगर आप हैं तो आप इसमें सबमिट कर दीजिए। ये होगी सिविल वालों के लिए। क्या बोला मैंने, सिविल वालों के लिए। दूसरी वैकेंसी है मैनेजर के लिए, इसमें एक्सपीरियंस है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो अपनी वीडियो 10 मिनट या 2 मिनट पीछे स्किप कीजिए, रीफॉरवर्ड कीजिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आ गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में आपको कौन कौन चाहिए, BTech इन CSA और MCA। दोस्तों इसमें भी आपको फ्रेशर इसमें CS और IT वाले इसमें एलिजिबल है। बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें बल्क हायरिंग है। दोस्तों ये जो है चौथी वैकेंसी आ गई, इसमें LiDAR इंजीनियर। LiDAR इंजीनियर में आपको कौन कौन एलिजिबल है, आप देखेंगे इसमें BE ME BTech या फिर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अदर्स, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। ऐसी डिप्लोमा वालों के लिए कौन कौन सी एलिजिबल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE, मैकेनिकल। आपने देख लिए सभी ब्रांचेज इसमें कवर हो गई। आपको इसमें फॉर्म कैसे सबमिट करना होगा, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि ITI, डिप्लोमा, सिविल सब कुछ मेंशन था। आपके लिए ही वैकेंसी मैं लेके आता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वैकेंसी चाहता हूँ कि आप इसमें सबमिट कर दें। इसमें क्या करना होगा, jobs@secure.in इस मेल ID को आप कॉपी कर लीजिएगा। ये मैं फ्रेशर वालों के लिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस वाले भी इस हिसाब से कर सकते हैं और अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। jobs@secure.in पे आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको करने के बाद उसके बाद आपको चलना है अपनी मेल आईडी पे। दोस्तों ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, जैसे ही आप उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो पिन मैसेज किया हुआ है, जी बहुत भाई को समझ में नहीं आ रहा कि कवर लेटर कहाँ है, आप देखेंगे सबसे ऊपर पिन मैसेज किया हुआ है, आप यहाँ आएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख, क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर पर पहुँच जाएंगे, कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर। तो दोस्तों आपको ये कॉपी कर लेना है यहाँ से और इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके मेल में अटैच कर लेना है। तो दोस्तों इसको कॉपी कर लेते हैं और मेल में चलते हैं।
आप कवर लेटर यहाँ कॉपी करके लाएंगे, डियर सर ऑब्लिक मैम प्लीज फाइव अटैच द सीवी ऑफ सेल्फ आई हैड, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको इसके साथ आप अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आई हैड लिखिएगा, अगर आप 2022 पास आउट होने वाले हैं तो परसुइंग लिखिएगा, आपने क्या किया है डिप्लोमा बी टेक या फिर बी ई, प्लेस और नेम ऑफ कॉलेज 2019 में किया है, 2020 में किया है, 2021 में किया है, 2022 में पास आउट होने वाले हैं, इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन प्लीज लेट मी नो, ऐसा करके आप इन्हें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। जब आप मेल करेंगे तो दोस्तों आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स जाना चाहिए और नीचे रिगार्ड्स करके नेम करके अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। देखिए मेरा काम जल्दी से ज़्यादा वैकेंसी आपके पास तक पहुंचाना होता है, कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं जो छूट जाती हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल जिसके बारे में मैंने आपको बताया है उस पर मैं ऑलरेडी पोस्ट आउट कर देता हूँ, इसका लिंक या तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर भी आप सब्सक्राइब हो जाए और जल्दी से जल्दी उस पर क्लिक कर ले, उसका लिंक कहां मिलेगा टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को मेरे से किसी भी तरीके की कोई बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।